हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अब बजी है दोपहर की एक तो और मैं बना रही हूँ पास्ता। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलो आज मैं पास्ता बना रही हूँ, अच्छा लगे तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैं बनाऊंगी चीज पास्ता, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो आपके साथ शेयर करना तो बनता ही है आखिर आप, बट मेरी फैमिली हो तो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने पास्ता उबालने के लिए रख दिया है, उसमें उबाल रही हूँ मैं मकई के दाने। और पास्ता उबालने के लिए पानी गर्म रख दिया है, बॉईल कर रही हूँ। सॉरी, मैं माइक्रोनिक पास्ता ही बनाऊंगी तो मैंने आपके साथ शेयर करना बनता है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा पानी बॉईल हो रहा है, बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। तो ये देखो माइक्रोनिक पास्ता है छोटे वाले, ये मुझे बहुत पसंद है और आपको भी पसंद होता है जरूर एक बार बनाना। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। तो मैं आपके साथ देखो थोड़ी सी मस्तियाँ कर रही हूँ, तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ, बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। तो मैंने पानी बॉईल तो हम इसे उबालने के लिए रख देते हैं। अभी ये उबलता है जितने हम तैयारी कर लेते हैं। तो मेरे साथ देख मैं आगे क्या क्या करती हूँ। पका लेंगे तो गर्म हो रहा है और मिक्स कर देते तो हैं। इसको मैंने स्पून से मिक्स कर दिया ताकि नीचे चिपके नहीं। स्पून अच्छे से ये मिक्स हो चुका है पास्ता बॉईल, और ये बॉईल होता है जितने हम करते हैं दूसरी चीज की तैयारी। तो मैंने कढ़ाई लूंगी, एक ब्लैक कलर की कढ़ाई है मेरे पास, और ये इसमें मैंने दो चम्मच तीन चम्मच बटर डाल दिया है। बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, देखो मैं चम्मच से हिला देती हूँ, ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। बटर मेल्ट हो रहा है अच्छे से। इसके अंदर हम डालेंगे मैदा, मैदा इसके अच्छे से बना लेंगे। मैदे को बटर में बहुत अच्छे से भूनने के बाद ही आपको दिखाऊंगी, देखो बने रहिए इस ब्लॉग में। तो ये मैदा डाल दिया मैंने दो तीन स्पून लेंगे और हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसे मेल्ट कर लेते हैं, अच्छे से भून लेते हैं। मैंने दो तीन चम्मच बटर लिया, दो तीन चम्मच ही मैदा लिया। आप पास्ता के अकॉर्डिंग ले सकते हो, मैं थोड़े से पास्ता बना रही हूँ इसलिए मैंने थोड़ा से चीज लिए है, इसलिए। और आप ज़्यादा भी ले सकते हो। तो ये देखो ये अच्छे से मैं चम्मच से मिक्स कर करके इसको चलाते रहना है, नहीं तो अदरवाइज ये नीचे कढ़ाई में चिपक जाएगा। हमने गैस का फ्लेम अच्छे से देखो मिक्स हो रहा है बिल्कुल, और ये अपने आप एक बार तो ठीक हो जाएगा, फिर अपने आप मेल्ट होने लग जाएगा। तो आप समझ जाना ये अच्छे से भून चुका है, इसमें से अच्छी सी स्मेल भी आने लग जाएगी, बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। मन करता है कि अभी के अभी खा लूँ। तो ये देखो अच्छे से मैं चलाऊंगी, खूब अच्छे से पकता रहेगा ये। हम और अगर साथ में ही दूध आपको नहीं डालेंगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना। मैंने फर्स्ट टाइम बना रही हूँ पास्ता, चीज पास्ता रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो आप जरूर बताना कैसा बना है। आप देखना पूरी रेमेडी, पूरी वीडियो पूरी देखना, कुछ स्किप मत करना, नहीं तो कुछ चीज़ें ऐसी है वो छूट जाएगी। अगर आप बनाना चाहोगे तो फिर आपसे बनेगी नहीं अच्छे से, इसलिए मैं ये ही उम्मीद करूँगी आप वीडियो को पूरी देखें, स्किप कर करके ना देखें। तो सॉरी थोड़ा गला खराब हो रहा है मेरा इसलिए। तो ये देखो अब मेल्ट होने लग गया है अपने आप, इसने बटर छोड़ दिया है धीरे धीरे, ये बटर छोड़ने लगी है मैदा। तो अच्छे से हम दो मिनट दो सेकंड और करेंगे। अब हम डाल दिया इसमें दूध, तो हम एक साथ दूध नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा दूध ही डालेंगे, नहीं तो लम्स पड़ने का डर होता है, लम्स पड़ जाते हैं एक साथ दूध डालने पर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, दूध डालते रहेंगे हम, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मिक्स कर लेंगे। ये देखो ये लम्स हटाए मैंने, और अब फिर मैं थोड़ा और दूध डालूँगी, अच्छे से दूध डाल के मिक्स करते रहेंगे। देखो फिर दूध डाला, फिर मिक्स करेंगे, फिर और दूध डालेंगे इसकी देखते हैं ये, इसको ज़्यादा थिक नहीं बनाना है ना ही ज़्यादा पतला बनाना है, एकदम ठीक ठीक सी ये बनानी है, ठीक ठीक सा घोल बनाना है इसका, एक तरह से घोल ही मान लो, ये ठीक ठीक सी हो जाएगी इसकी। और आज गले में बहुत दिक्कत हो रही है, गला बहुत ख़राब हो रहा है मौसम की वजह से, क्यों ठंडा पानी पी पी के गला ख़राब कर लिया है गर्मी में, कूलर चला तो बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, सॉरी फ्रेंड्स इसके लिए। तो अब ये देखो अच्छे से मेल्ट होने लगा है, हम इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखेंगे,
तो हम थोड़ा सा दूध और डाल देते हैं क्योंकि पकेगा जैसे ही जाडे होती रहेगी इसकी थिकनेस बढ़ती रहेगी। तो अब अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं इसे। तो ये बन गई है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक 2 स्पून। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो नमक, मैं 2 स्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना। क्योंकि मुझे इस और मैं इस इससे वैसे तो ये वाइट कलर में ही बनता है पर मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दूँगी क्योंकि इसमें मैं अलग अलग चटनी डालूँगी, सहजवान चटनी, पिज्ज़ा सॉस वगैरह ये सब डालूँगी। मैं यूनिक सा बना रही हूँ इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पास पिज्ज़ा के कुछ ये पड़े थे तो दो पैकेट थे मेरे पास, तो मैंने सोचा इसमें डाल दूँ और यूनिक सा टेस्ट आ जाएगा। तो मैंने आपको दिखाई दिया मैं क्या डाल रही हूँ, आप गेस्ट करना ये क्या चीज़ है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ये कौन सी चीज़ डाली है मैंने। और अब हम डालेंगे चिली चिक्स, उसके भी 2-3 पैकेट पड़े थे मेरे पास तो मैंने सोचा इसमें डाल देती हूँ। तो मैं अब डालूँगी चिली चिक्स, ये मैंने फाड़ ली है, ये मैंने डाल दी है, तो मैं इसके भी 2-3 पैकेट डालूँगी। मैं स्पाइसी बनाऊँगी, मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है और इसलिए मैं ज़्यादा ही कुछ चिली चिक्स वगैरह डालूंगी, मुझे स्पाइसी पसंद है। इसलिए आपको भी अगर स्पाइसी नहीं खाना तो आप स्किप कर सकते हो, एक ही पैकेट डाल सकते हो, मुझे स्पाइसी पसंद है इसलिए मैंने 3 पैकेट डाले हैं। और कम लगेगी तो मैं ऊपर से और डाल दूंगी। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया हमने और अब डालेंगे हम बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, टमाटर और हरी मिर्च। मेरे पास ये 3 ही वो थी तो मैंने 3 ही डाल दी। और मटर और मकई के दाने अभी बॉईल हो रहे हैं तो हम उसे बाद में भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि मैंने लेट बॉईल होने के लिए चढ़ाए थे इसलिए, तो वो बॉईल हो जाएंगे तो हम ऊपर से ऐड भी कर सकते हैं बाद में। अब मैं डाल रही हूँ काली मिर्ची का पाउडर, वो भी मैं भर भर के डालूँगी क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा मुझे स्पाइसी पसंद है, तो मैंने 1 से 1.5 स्पून काली मिर्ची पाउडर डाल दिया है। अब इसका कलर और ब्लैक सा हो जाएगा, पहले ही आपको वाइट सा लग रहा था, इसके बाद ब्लैक सा लगेगा, इसके बाद और कलर चेंज होने वाला है। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी क्योंकि ये गाढ़ी हो रही है, मुझे इसमें पास्ता भी बनाना है और इसलिए पकाना है। देखो इसका कलर चेंज हो गया है। इस टाइम मैं डालूँगी अब थोड़ा सा दूध क्योंकि ये बहुत थिक हो रही थी और मुझे पास्ता पकाना था, थोड़ी पतली ही अच्छी लगती है। तो ये देखो अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी जब तक इसमें ये सब्जी भी वेजिटेबल भी अच्छे से पक जाएगी, हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी तभी अच्छी लगेंगे, नहीं तो कच्चापन दिखता अगर मैं इसे पतली नहीं करती पानी या दूध डाल के तो ये कच्चापन लगता। सॉरी फ्रेंड्स, आज बहुत ही गला ख़राब हो रहा है मेरा बार बार। तो ये देखो अब इसमें डालेंगे हम, मैंने पास्ता बॉईल हो चुके थे, मैंने उसे धो के छान भी लिए थे और ये अच्छे से थोड़ा सा एक उबाल आने पर हम अच्छे से पका लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ मक्की और जो मटर मैंने बॉईल किए थे वो डाल दिए हैं, वो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं तो मक्की और मटर भी डाल दिए, वो इसके साथ थोड़े बहुत और जो इसमें कच्चापन होगा वो भी अच्छे से पक जाएंगे, वैसे तो वो बॉईल हो चुके थे अच्छे से और अच्छे से हो जाएंगे। और अब हम ऐड करेंगे इसी में ये देखो पास्ता ऐड करेंगे। अब ये थोड़ा सा उबाल आ रहा है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार। वैसे तो ये वाइट होती है पर मैंने इसमें काली मिर्ची का पाउडर डाला है इसलिए आपको ब्लैक लग रहा है। ये अब इसकी कंसिस्टेंसी एकदम सही है, इतनी थिक होनी चाहिए। जब तक आप चेक करना चाहो कैसे बना है कैसे नहीं, ये चम्मच पे इसके कोट लगने लग जाए तो आप समझ लेना ये अच्छे से पक चुका है, मैंने आप करके दिखाया। अब मैं डाल रही हूँ पास्ता, मैंने इसे ठंडे पानी में ओवर कुक हो जाता नहीं तो ठंडे पानी से भी धो लिया था उबालने के बाद बॉईल करने के बाद, तो मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी अलग अलग 4 तरह की चटनी क्योंकि मुझे पसंद है स्पाइसी, तो मैं इसे और स्पाइसी और टेस्टी बनाऊँगी। और इसमें मैं डालूँगी तो इसमें और डालूँगी मैं चीज़ भी डालूँगी, आपके पास हो तो डाल देना। मेरे पास चीज़ मैं चटनी डाल देती हूँ, ये मैंने डाल दी है, ये पिज्ज़ा सॉस, फिर डालूँगी पिज्ज़ा चटनी, चिली चिक्स चटनी ये मैंने डाल दी है, चिली चिक्स चटनी और पिज्ज़ा सॉस डाल चुकी हूँ। अब डाल दी सहजवान चटनी, आप भी डाल सकते हो। अब मैं थोड़ा सा क्रीम डाल रही हूँ,
एक स्पून भर के क्रीम भी डाल दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत, देखो मैंने क्रीम भी डाल दी है, मुझे बहुत स्पाइसी पसंद है। इसलिए आपको स्पाइसी नहीं पसंद हो तो आप ये सब स्किप कर सकते हो। मेरे पास रखी थी तो मैंने डाल दी, आपके पास हो तो डाल देना, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। आप वैसे ही बना सकते हो साधारण तरीके से। तो मैंने सोचा आज मैं यूनिक सा बना रही हूँ तो आपके साथ शेयर करना बनता है। आप भी कभी बना के ट्राई करना, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही। मेरा तो मन कर रहा है अभी खा जाऊँ, पर इसमें थोड़ा कुछ बाकी है इसलिए अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। इसका कलर और भी चेंज हो चुका है, इसका कलर और चेंज हो चुका है, ये देखो। मिक्स करते रहेंगे तो इनका कलर पूरा चेंज हो जाएगा। तो इसका कलर हो गया है बादामी कलर का, हल्का हल्का पिच कलर होने लग गया है। सॉरी फ्रेंड्स, बहुत ही गले में दिक्कत हो रही है और मैं बार बार खर खर कर रही हूँ, आपको दिक्कत हो रही होगी। तो अब इसका कलर हो गया है पिच कलर। अब इसमें मैं डालूँगी दो चीज़ स्लैक्स, मेरे पास स्लैक्स पड़ी थी तो मैं वही डालूँगी। अगर आपके पास चीज़ हो तो आप उसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हो। मैं सिर्फ छोटे छोटे पीसेस करके डाल दूँगी, टुकड़े कर कर के, क्योंकि ये तो मेल्ट होनी है। चाहे आप पीसेस करके डालो चाहे वैसे ही डालो, ये मेल्ट हो जाएगी। तो मैंने दो डाल दी है क्योंकि थोड़ा तो चीज़ी चीज़ी बनना ही चाहिए। अगर चीज़ पास्ता बना रहे तो चीज़ तो डालनी ही पड़ती है। तो मैं ये चीज़ पास्ता बना रही हूँ इसलिए मैंने चीज़ डाल दी है इसमें बढ़िया सी। तो ये अच्छे से मेल्ट कर लूँगी और डालूँगी मैं इसमें एक स्लैक्स और डाल दूँगी इसमें। मेरे पास चीज़ स्लैक्स पड़ी थी इसलिए मैं चीज़ स्लैक्स डाल रही हूँ। आपके पास जो भी हो आप वो डाल सकते हो। तो देखो दिखने में भी कितना यूनिक लग रहा है, खाने में भी कितना यूनिक लगेगा, कितना लाजवाब टेस्टी लगेगा। तो मैं एक स्लैक्स और डाल देती हूँ इसके टुकड़े कर करके, वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। फिर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और आपको सर्व करके दिखाएंगे प्लेट में। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आज संडे था तो परिजीत करी थी पास्ता बनाने के लिए, तो मैंने सोचा हमेशा एक ही पास्ता खा के बोर हो रहे तो आज यूनिक तरीके से बना लेते हैं। तो मैंने आज कुछ यूनिक तरीके से बनाया होगा। आपने पास्ते चीज़ पास्ता बहुत सी रेसिपी में देखा होगा, लेकिन जो सहजवान चटनी वगैरह चार चटनियों के साथ ये फर्स्ट बार रेसिपी आई है। तो ये आप मेरे ही ब्लॉग में देख पा रहे हो, और अदरवाइज आपने नहीं देखा होगा और ब्लॉग में, तो ये फर्स्ट बार मैंने ही बनाया है। मैंने जब तक रेसिपी देखी है किसी ने यूनिक तरीके से नहीं बनाया है। हाँ, चीज़ पास्ता सबने बनाया है पर इन चीज़ों के साथ बहुत कम बनाया है। तो ये मैं प्लेट में सर्व कर देती हूँ। अब ये गैस ऑफ कर दिया मैंने, गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। तो ये मैंने कर दिया प्लेट में सर्व और मैं आपको खा के दिखाती हूँ। पर ये गर्म है तो मैं खा नहीं पाऊँगी, बहुत गर्म है, मुँह जल जाएगा मेरा। अगर आपके भी मन में मुँह में पानी आ रहा है, मन में आ रही है, तो आ जाओ खाने के लिए, बहुत बने हैं। तो ये मैं चम्मच से खा रही हूँ पर ये गर्म है इसलिए मैंने खाया नहीं। तो ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, फैमिली फ्रेंड में शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, बाय।